विश्व की योग नगरी के तौर पर मशहूर ऋषिकेश में वैसे तो पूरे साल ही बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन दीपावली के समय यहां की रौनक देखते ही बनती है। जहां भारतीय लोगों के साथ साथ विदेशी भारत के रंग में रंगे नजर आते हैं। शरीर पर साड़ी धारण किए, माथे पर बिंदी लगाए और गले में कंठी माला पहनी विदेशी भगवान की धुन में रमे नजर आते हैं। ऐसा ही नजारा इस साल दीपावली पर भी देखने को मिला, जहां मंत्रोच्चारण और घंटों की ध्वनि ने विदेशियों को मंत्रमुग्ध कर दिया और वे भाव विभोर हो उठे। सभी ने ओम का उच्चारण किया और हर हर महादेव की जयकारे लगाए। दिवाली के अवसर पर सभी ने माँ गंगा की आरती की, फिर माँ गंगा के तट पर ही भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन और आरती की। इस क्षण के साक्षी बनने के बाद विदेशियों की कैसी प्रतिक्रिया रही, सुनिए। ये सचमुच सनातन की शक्ति है, क्योंकि सनातन का यही मतलब है इटर्नल, मतलब That which is true, भारत में, अयोध्या में, लंका में, कुरुक्षेत्र में, हजारों साल पहले, आज भी सच है, लॉस एंजलिस में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, टोक्यो में, यही इटर्नल का मतलब। और आपने आज सचमुच वसुदेव कुटुंबकम का दर्शन किया, सभी लोग पूरा विश्व से रोज माँ गंगा जी की आरती में, परमार्थ निकेतन में सभी लोग आते हैं। और आज सभी ने दिवाली मनाया, माँ लक्ष्मी जी की पूजा की, दिया जलाया और सभी ने कहा कि ये जो दिया है वो केवल एक मिट्टी की पॉट में नहीं जो 15-20 मिनट के बाद बुझ जाएगी, लेकिन जो दिया आज जलाया वो उनकी दिल में है और वो दिया हर्ष में जलेगा। और जब वो अपने देश में वापस जाएंगे वो प्रकाश विल स्टे विद देम, और फिर वो दिस लाइट ऑफ भारत, दिस लाइट ऑफ सनातन धर्म, दिस लाइट ऑफ माँ गंगा, दिस लाइट ऑफ हिमालयन संस्कृति वो उनकी दिल में रहेगा और वो सबके साथ शेयर करेंगे। कमिंग हियर टू इंडिया टू सेलिब्रेट दिवाली इन परमार्थ निकेतन, ब्यूटीफुल फेस्टिवल. This is the Dia, beautiful Ganga Aarti ceremony. So happy to be here celebrating you, this festival with you, all the beautiful Indian people. Happy Diwali. परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिदानंद सरस्वती ने बताया कि त्रेता युग में जिस तरह श्री राम की अयोध्या वापसी पर दिवाली मनाई गई थी, उसी तरह 500 सालों बाद भगवान राम का मंदिर बनने पर भारत में दिवाली मनाई जा रही है। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया। त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद जब लौटे, एक अद्भुत दृश्य था। पूरी अयोध्या ने दिवाली मनाई और 500 वर्षों के वनवास के बाद जब भगवान श्री राम विराजमान हुए, भारत के ऊर्जावान तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से और आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी के प्रयास से और सभी कार्यकर्ताओं से लेकर कार सेवकों तक, सभी महापुरुषों का सहयोग और बलिदानियों का बलिदान, आस्थावानों की आस्था के कारण आज जब ये मंदिर भव्य और दिव्य बनकर खड़ा हुआ है, भगवान विराजे हैं, 500 वर्ष का वनवास खत्म हुआ है, तब 25 लाख से भी ज्यादा दीपों से दिवाली मनाई गई है। हो भी क्यों ना, वो अयोध्या की दिवाली थी, आज तो पूरे भारत ने दिवाली मनाई और परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में तो पूरे विश्व ने दिवाली मनाई है, क्योंकि पूरे विश्व से जब लोग आते हैं, यहाँ योग सीखते हैं, ध्यान सीखते हैं, सनातन के उन मंत्रों को सीखते हैं जो जीवन में एकता का पाठ पढ़ाते हैं, जीवन में समता समरसता का पाठ पढ़ाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाते हैं। ऐसे माहौल में जब बैठकर दिवाली मनाते हैं, उनको लगा कि आज दिवाली नहीं बल्कि हमारा जीवन भी महोत्सव बन गया और आज उन्होंने इस तरह से दिवाली यहाँ मनाई।